ये तो खुद ही नंगा हो रहा है, इसको इतनी भी खबर नहीं कि ये क्या बयान कर रहा है सूफियों के सिलसिले और कौन से सूफी हैं ये। अल्लाह की कसम, ये वो सूफी थे जिन्होंने इस्लाम की शक्लों और इस्लाम की सूरतों को उम्मत के सामने मस्क करके पेश कर दिया। ये इब्ने अरबी था, ये हुसैन मोहम्मद हुसैन मंसूर हल्लाज था, ये बुस्तानी, ये जुनैद बगदादी, इनकी किताबों के अंदर जो इनके अकीदे लिखे हुए हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और मैं बयान कर चुका हूं आप हजरात के सामने, ये इब्ने अरबी वहदतुल वजूद का अकीदा जो ये कहता है कि दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं, ना तुम मौजूद हो, ना हम मौजूद हैं, ना आसमान मौजूद है, ना जमीन मौजूद है, ना सितारे हैं, ना हवा है, ना आग है, ना पानी है, दुनिया के अंदर ना जानवर हैं, ना चिड़िए हैं, ना परिंदे हैं, कोई चीज मौजूद नहीं है, बल्कि ये जितनी भी तुम नजर आ रही है इल्लल्लाह, ये सब अल्लाह है। अस्तग़फिरुल्लाह, यही बने अरबी का और यही मंसूर हल्लाज था। यह मंसूर हल्लाज का यकीदा था कि जर्रे जर्रे में अल्लाह हुलूल कर गया है, जर्रे जर्रे में अल्लाह हुलूल कर गया है। और मैंने वाकयात बताए हैं सूफियों के अकीदों के ताल्लुक से, इसी जद्दा दावा सेंटर के अंदर हमारी तकरीर हुई थी कि एक नूरी बैठा हुआ था, अहमद नूरी क्या नाम था उसका सूफी का, एक कुत्ता भूकने लगा तो उसने कुत्ते की आवाज सुनी और जैसे कुत्ते की आवाज सुनी कहने लगा लब्बैक या सैयदी लब्बैक। किसी ने कहा जालिम, मतलब कुत्ता भूंग रहा है तो लब्बैक करा। कहा तुमको नहीं मालूम, ये हमारा आका हमारा सरदार बुला रहा है, हमको अल्लाह बुला रहा है, इनको चूहे के अंदर अल्लाह, सुअर के अंदर अल्लाह, खंजीर के अंदर अल्लाह, ला मौजूद है इल्लल्लाह, कोई चीज मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये सूफी इब्ने अरबी का या मंसूर हल्लाज का, जिसको उलमा ने कत्ल का फतवा दिया और बगदाद की सरजमीन पर इस हबीस को कत्ल कर दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया इसी सूफी मंसूर हल्लाज को, और कहा जाने लगा इसके जो है कदम, इसके कतरे कतरे से अल्लाह अनलहक अनलहक के नारे आ रहे थे। सूफी सरमद जो हिंदुस्तान का था, यह परले दर्जे का यहूदी था मरदूद, जिसकी कबर को आज ये देवबंदी हनफी बरेलवी सारे जामा मस्जिद के पूरब वाले दरवाजे पर, जामा मस्जिद के पूरब वाले दरवाजे पर लाल कलर से उसका मदार है, उस मदार को सब चादरें चढ़ाते हैं, सब चूमते हैं और सब जाते हैं। यह सूफी सरमत, ये यहूदी था खबीर, ये सूफी बंदा नमाज जेसुदराज, जिसके नायब ने, जिसके छोटे बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि मैं शिया हूं और मेरे बाप दादे शिया थे, लेकिन ये कबर का पुजारी, ये कबर का पुजारी नबी का नाम लेने वाला और नबी का आशिक, ये जाकर के फिर उसी दादागंज हजवेरी की कबर के, उसी बंदा जेसुदराज के कबर के ऊपर जाकर के चादरें और फूल चढ़ाता है और वहां मिन्नतें मानता है। वो परले दर्जे का राहगीर और शिया था। और मेरे अजीज मेरे दोस्त, कड़वी बात ना लगे, हमारे मुल्कों में जो विलायत के विलायत की गली गली में कब्रें बनी हुई हैं वलियों के नाम पर और जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर तुम इनकी तारीखें उठाओगे और इनकी दास्तानें पढ़ो, हैरत और ताज्जुब की बात होगी कि ये सारे के सारे सूफी किसी न किसी शिई सिलसिलों से मिले हुए हैं, इनका ताल्लुक राफिजियों यहूदियों से मिलता जुलता है। ये वली अल्लाह नहीं थे, और अगर ये वली अल्लाह थे तो इनकी किताबें इस तरह से क्यों लिखी गई हैं, इन्होंने अपनी किताबें इस तरह से, अपनी किताबों में इस तरह शिरकिया बातें क्यों लिखी हैं मेरे अजीज। और यही सहरवर्दी, यही नक्शबंदी, यही कादरी, यही चिश्ती जो सिलसिले हैं, ये सारे सिलसिले सूफियों के, और ये सिलसिले लोगों ने बनाए हुए हैं और बना बना करके उनकी तरफ मंसूब किया, नऊज़ बिल्लाह। ये सब बदबातिन और बातिल लोग थे। अब आइए मैं आपको इस ताल्लुक से, जो मैंने अभी वहदतुल वजूद का हवाला दिया है, आप तबलीगी निसाब उठाइए। तबलीगी निसाब के अंदर हजरत जकरिया साहब ने, मरहूम ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, और आपको मैंने ये वाकया भी बताया होगा कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने वाकया लिखा तबलीगी निसाब के अंदर कि हजरत इमाम अबू हनीफा इतने बड़े कश्फ वाले, इन्होंने, मैं बताया ना आपको, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी इन्होंने कहीं माफ नहीं किया है, लाख लपेट के बेचारे को घसीटा है अपने अकीदे अपने मजहब को साबित करने के लिए, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बेचारे इन अकीदों से बरी थे। जकरिया साहब अपनी किताब तबलीग निसाब में लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो जब कोई बंदा कूफे की मस्जिद में वजू किया करता था तो इमाम साहब जो पानी गिरता था उस पानी को देख कर बतला दिया करते थे कि ये गुनहगार है, बदकार है, या ये नेक आदमी है। अस्तग़फिरुल्लाह। और सुनो, यही नहीं कि ये गुनहगार है, बल्कि ये भी बतला दिया करते थे इसने बड़ा गुनाह किया है या छोटा गुनाह किया है। अस्तग़फिरुल्लाह। और यही नहीं, जकरिया जी आगे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि वो छोटा गुनाह भी हिस्सी है या गैर हिस्सी है, यानी दिखाई देने वाला गुनाह है या दिल का गुनाह। और यही नहीं, बल्कि यहां तक बता दिया करते थे कि ये
मकरूह है या मकरूह है या मुस्तहब वाला गुना, कौन सा गुना है, यहां तक बता दिया करते थे नऊज बिल्ला। मैं कहता हूं इमाम साहब बेचारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये न नजर आए, अबू बकर उमर फारूक और सिद्दीक और उस्मान और अली को ये सब न नजर आए, तलहा जुबैर बेचारे न नजर आए, और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ऐसे गप छोड़े गए। और जब ये गप छोड़ी गई उस गप के नीचे एक और गप लिखी गई जस्ट, और मेरा तजिया है और हमारे वो बिरादरान जो हमारी कैसेट को तबलीगी निसाब के ताल्लुक से जो जो छह कैसेटें हैं जो मैंने बताई बनाई हैं तारीख तबलीगी जमात और जो है फजाइल नमाज फजाइल जिक्र फजाइल कुरान फजाइल दरूद फजाइल हज ज़कात, ये छह कैसेटों में मैंने आखिरी कील ठोंकी है तबलीगियत के ताबूत में अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह ये कभी और कोई अल्लाह कोई मुतासिर ही होगा जिसे शैतान राह रास्ते भटकाएगा वही गलत राहों पे जा सकता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख के सुन के उसके बावजूद भी अगर कोई ईमान न लाया तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी निजात हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसी किताब के अंदर जो है लिखते हैं नीचे, और मेरा यह तजविया था, मैंने जब तबलीगी निसाब ये जो हमारे पास है ये मैं तबलीगी निसाब जो मैंने इसको पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कौन सा ऐसा वाकया है जो जकरिया हजरत जी ने बुजुर्गों से साबित किया हो तो अपने देवबंद के उलमा के बारे में वही चीज जरूर साबित करते हैं। नहीं समझे आप, मसलन मिसाल देता हूं, मसलन तबलीगी निसाब खोलें